भाई ले आओ केवल ढोलक बाजा, नहीं तो इतना खाली बाजा है कोई बात नहीं, इतने चलाने का। चलो मैं इतना दो चुटकुले सुना देता हूँ। अरे 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 स्वागत स्वागत स्वागत। वैसे तो गाने की जहाँ तक बात है, गुलाब सिंह जी बैठे हैं, वो आपको बहुत मीठे गीत सुनाएंगे। पंडित जी मुझे बता देना कितना समय लेना है ताकि पीछे तैयारी हो जाए। अब इतने सेटिंग करोगे मैं दो चुटकुले सुना देता हूँ। वैसे तो आदरणीय महेंद्र सिंह जी मैं कई बार सुना चुका हूँ चुटकुले, लेकिन आपसे भी थोड़ा सा साझा हो जाएगा। चुटकुलों की जहाँ तक जुगाड़ है वो व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो ऐसा तो सिस्टम ही नहीं कि हम वहाँ से चले और आदरणीय डॉक्टर सतबीर जी को कह दे कि प्रधानाचार्य जी हम आने लग रहे हैं, एक टोकरा चुटकुले का मंगा कर रखियो, हमने यूज करना है। वो तो वैसे ही सिस्टम है, पहले दूर से पता लगा करता ताऊ आवक ताई आवे, ड्रेस से पता लगता धोती कुर्ता खंड काटो गला बूढ़ा और खंड दामन चुंदड़ी चुंडा बोरला लागे ताई, दूर से पता लगता बर्थू गर्दाला मोलड़ मंग रामदारी अधारा सिंह करतार सिंह, नाम से पता लगता कि ये मर्द मानस हैं, मोटे मोटे पिंडे मोटी मोटी शक्ल मोटे मोटे खोए बड़े बड़े थोबड़े। रीब के नाम सुन लेता रे चिंटू निंटू टिट्टू टोमी बिट्टू गुड्डू, नु नहीं पता लगता बालक के नाम में कुत्ते पिलू रे के नाम कर दिए। पहले कितने सुंदर सुंदर नाम आते थे हमारी माँ तो बहने के पता सो, नाम से पता लगता कि बड़ी सुंदर सी बड़ी क्यूट सी लेडी रही होगी। ये भी मॉडर्नाइजेशन उसमें होगी, पता सुनो स्वीटी कहन लग गए, गुलाबन रोजी कहन लग गए, सुनहरी ने गोल्डी कहन लग गए, बिलबिले बिलबिले बालकन पप्पू कहन लगे, सनकले सनकले सन्नी कहन लगे। अब ठाने ठाने से तो मर्द मानस थे, घी दूध खाते इसलिए तगड़े थे। ई खाओ मेरे बेटे चाउमीन, बोले चलो चाउमीन खाते हैं, छोटा कुछ नहीं पतली पतली टांग बीड़ी बीड़ी पजामी, अरे बांगे बांगे चलेंगे जान बीड़ी के बंडल में दो बीड़ी रह रही। सच्ची बात है पाछा सही नहीं जनो कच्चे मकान का पितरालता रखे सा खा। ये हमारी बेटियां भी ये रोटियां नहीं खाती, मम्मी कह के बेटा खाना खा लो, नहीं मम्मी मैंने दिन में सहेली के घर टिक्की खा ली, दिन में लंच होगा डिनर की भूख नहीं है, मेरे बेटा कितके अभी मेन्यू पैदा होंगे। पतली पतली टांग बीड़ी बीड़ी पजामी जान साइकिल का बिंड कस्सी का बिंड पर साइकिल की टीप चला रहे। मेरा ये आधा चुटकुला किसी का लग गया तो माफी, हमारी बहने बैठी है, मामला बदल गया, मैं ताऊ ताई की कुंधनी बड़ा गड़बड़ हो गया, छोरे बाल बधान लग गए बेबेर बाल कटान लग गए, एक आधी नाश करनी तो मैं गुद्दी के मिला के कटावे हैं, बुआ कट बोलो सू बुआ कट है, और वह कितनी रिफल लो बिना बाला की लुगाई तीसरे लगा जानो चिड़िया की पूंदड़ पाड़ के फेंक रखी। छोरा पानी पीने चले गया उसकी जगह की बुढ़िया बैठ गई, इतने माया ने बोला ताई कैसे बैठी, नोली बैठी भाई, ने बोला नहीं 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 माता जी तो मेरी सीट है, नोली बोला तेरी सीट है, सीट मोटर की मोटर रोडवेज की रोडवेज सरकार की सरकार मारी से, ने बोली री ताई री बोली माता जी मैं तो पाछे ताया सू, ने बोली वो तेरी माँ की गलती। अब चुटकला तो बेटा यहां से शुरू होगा, ये तो भूमिका थी। अब उसके सामने देखो कैसा लड़का बैठा, उसके सामने लड़का बैठा, इमेजिनेशन करो, बड़े बड़े बाल उतारिया खोया बपड़े दो निकट कान में मुर्की कलीन शेव, आड़ तक भी ठीक था, आधी बाया की लाल पीली छींट की कुर्ती, हाथों के भी मारिए बेपर थ्रेडिंग थ्रूडिंग मतलब हाथों के भी बाल पड़ रहा, चितली आंगड़ी का नाखून बधा के नूह पालिश ला रहा और गलम में रिफड़ के कसूती काटी लाल चुन्नी घेर रहा, बुढ़िया लखाई सारी मोटर में फिर मुस्कुराई, चलो सारी मोटर में एक सूत्री सी बहू तो पाएगी। वो छोरा ने बहू सोच के बुढ़िया उसके साइड में बैठ गई, बुढ़िया तो अपनी बात करेगी ना बेटी कौन सा गंभीर रखी से तेरा बेटी ऊ की करे से बच्चे कहाँ हैं, फिर लाया अंदाजा अब बहू गल के मिनट में टेक्निकल प्रोग्राम बोलती क्यों नहीं, हाथा की तरफ लगाई तो चूड़ी को दिखी, बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया, हिम्मत सी करके बिना चूड़िया के बुरे बुरे
काचे काचे उस छोरे का थपा फेर के बुढ़िया शर्मा के ने बोली, आए बेटी आए बहू तू भी मेरे की ढाल जमा जवानी ब्रांड होगी ये बराबर वाला नहीं बोला रही ताई छोरा से वो तो इंट्रोडक्शन देता नहीं समझ माई नुमला ताई छोरा से नुमली चोखा रे बेटा इसके छोरा से ने फिर तो बेचारी की जिंदगी कट जाएगी छोरी को ना नु बोली वो और भी अच्छी बात है रेवड़ विधवा छोरी का छोरी होती तो ब्रांड मट्टी नहीं हो जाती इतने में छोरा शर्मागर चलती मोटर में कूद गया बुढ़िया ने तोड़ कर दिया चलती मोटर में कूद गया बुढ़िया ने बोली भाई रोई जनू बचेंगे तो पसंद किसी और का भी नहीं है उतरे पद से बताया न बोले रेता यो तो छोरा था वो तो मरद था न बोले बेटा वो मरद था ने तुरता तरा ता उन नथो तो हुए मुच्छा का तेल लाए फिर है बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हैं राइटर बैठे हैं मैडम बैठी हैं अलका जी सांपा की मोर्सी ये इनकी किताब का नाम है चलो एक छोटा सा गीत का बात वैसे तो मेरी मजबूरी है चुटकला चुटकलम थोड़ा हंगा लगा बेटा मैं चुटकला सुना दूंगा फिर गीत गुलाब सिंह से सुन लेंगे चलो कोई नहीं मैं थोड़ी देर पहले आंकड़े के चुटकले सुनाए थे एक छोटा सा उस आंकड़े में से एक पीस माने आए रसा भाई इनको सुना देता हूँ बस भाई बस बस भाई बस जान लाग रही बीड़ी सड़क बरसात का मौसम चिक्कड़ हो रहा और अगर तो तूड़गा भरे ट्रक आ गया तोड़ेगा भाई ट्रक तो जीटी रोड पे जगह नहीं छोड़ता डर के लगा कंडक्टर ने भाई नीचे उतर के गाड़ी बैक करा दे वो थकड़ा ने बोले तू जो 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 चिंता ना कर पम पछे जगह है अभी करवा देता हूं नीचे कूद दे उसकी विशल पड़ गई उसमें कीचड़ फंस गया ने बोले अब भैया मैं तो गार पड़ गई न्यू आन दे तो चल बे बोले चल दे चल दे चल दे इतना बस सुनी को तो कही दे रखा उठ रहा था और भी लगेगा छोटा सा गीत सुना दूं अगर कोई साथी नहीं चलो मैं तो एक चुटकुला और सुना दूंगा चल जाएगा काम सवेरे के सुन लग रहे इसमें और चल जाएगा चलो कोई बात नहीं लेकिन एक शर्त है यू चुटकुला सुना बात ये कम से कम चार चुटकुले तारी माया ने सुनाओगे जाके आगे भी तो मेरा सिस्टम बैठे चलो मेरा जुगाड़ सा खराब हो गया तीन चार महीने पहले बाबा रामदेव मेरे गांव में पड़े मैं उनके पास चला गया मां ने बोला अच्छा घरवाली चली गई माँ जी घरवाली चली गई ने बोला खांसी जुकाम भी है हनी ले ले चल गया काम है? मां प्रीत भी दे देना जुगाड़ भी हो जाएगा सारा चलो बेटा गीत सुनते लेकिन उस गीत से पहले मैं जो चार लाइनें सुनाऊंगा वो आपके चुटकुले का काम भी कर देंगे दो लाइन तो पंडित जगन्नाथ की लाइनें हैं कि यज्ञ हवन तप दान भजन बिन भी जो स्वर्ग की राई तिरगे ना यज्ञ किया ना तप किया ना दान किया ना कोई और धार्मिक आडंबर उसके बावजूद भी सीधे स्वर्ग में ऐसा कौन सा रास्ता अगली लाइन में बता दिया के यज्ञ हवन तप दान भजन बिन भी जो स्वर की राई तिरगे कौन के जो हंसते हंसते देश की खातिर जान नछावर करके एक भगत सिंह जी का गीत सुनाऊंगा भाई कोई सा रागनी वाला भाई थोड़ा टेक बोल लोगे तो मुझे पेट में थोड़ी गड़बड़ है सारा लग जाएगा नहीं तो ऐसे ही चलेंगे काम सरदार सोलदार जी की दो लाइनें और सुना करके मैं अपना गीत शुरू करूंगा उससे पहले गीत की भूमिका क्या है भगत सिंह की माँ भगत सिंह से मिलने जाती है और देखिए उस बहादुर औरत को जिसको ये पता है कंफर्म है कि तेरा बेटा चंद दिनों का मेहमान है ये कायर लोग अंग्रेज लोग छोड़ेंगे नहीं काला पानी लगा देते थे बेटियों
अंडमान निकोबार, आज भी कलकत्ता से जहाज में 35-40 घंटे लगते हैं। छोटा सा टापू, बड़ी बड़ी दीवारें, छोटी छोटी कोठड़ी, 4.5 फुट की कोठड़ी, बताते ना लेट सकता है ना बैठ सकता है, वही छोटी सी मोरी टट्टी पेशाब के लिए, वही खाना पीना, वही नहाना। और वो हमारे वीर खेड़ मार मार के वहां मर गए। उसको पता था कि या तो काला पानी लगा देंगे, नहीं तो फांसी लगाएंगे। उस माँ की हिम्मत देखिए कि जेल में जाकर के अपने बेटे को मोटिवेट करती है। उस वक्त का मैं गीत सुनाऊंगा, उससे पहले दो लाइनें फौजदार की कि मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर देखते अंगारों पर बढ़ जाते थे, सहमे तक नहीं तुम कभी हिमयुक्त जवानी देने में, अरे क्यों तुम कोडर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। लाइन एक बार फिर सुन लो कि मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर देखते अंगारों पर बढ़ जाते थे, सहमे तक नहीं तुम कभी हिमयुक्त जवानी देने में, अरे क्यों तुम कोडर नहीं लगा अपना कुर्बानी देने में। हंसकर बोले शहीद, क्या बोले, हंसकर बोले शहीद के जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, अरे जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, मुझे मौत का डर नहीं लगता जब मेरे हाथ तिरंगा होता है। मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, ओ सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में तो
नीम का जो किला बन रहा था उसकी नीम मजबूत बन रहा है, अब उसकी दीवारें बन रही हैं, तेरे जैसे युवा चाहिए। जीवन है ये अपनी धरती माता और देश के लिए न्योछावर कर दे।